नमस्कार जी, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आशिफ इकबाल। आज हमारे खास कार्यक्रम जनता मांगे हिसाब में जो शख्सियत हैं उनके बारे में एक बात कहना बहुत मुमकिन है कि अगर आपको राजनीति में सज्जनता सीखनी हो, सहनशीलता सीखनी हो, और ये आप कह सकें कि अगर आप सच में आज की राजनीति के बदलते तस्वीर की एक इबारत अगर गढ़नी हो तो उस शख्स के बारे में कहना बहुत मुमकिन है। हम बिहार के आवाज, आरजेडी की आवाज, और अब राज्यसभा में आरजेडी की आवाज मनोज झा के साथ हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मनोज जी आपका, कि आपने वक्त निकाला और आपने वक्त हमें दिया। मनोज जी, हमने जैसा कहा सज्जनता सीखनी हो तो आपसे सीखनी है, इसलिए क्योंकि आप मनोज झा एक प्रोफेसर से मनोज झा गमछा वाले भैया के रूप में आप पॉपुलर हो गए, क्या है ये आखिर? नहीं देखिए, गमछे की तो कहानी अद्भुत है। 2-3 वर्ष पूर्व किसी टेलीविजन शो में यूं ही किसी ने कहा गमछा मत हटाइए, गर्मी की वजह से मैंने गमछा रखा हुआ, तो फिर वो जो गमछा चिपका जी। तो एक तरह से मेरी पहचान का हिस्सा हो गया। और मैं समझ रहा हूं कि राजनीति में विचारधारा की जो राजनीति है वो जिंदा रहनी चाहिए। मैं उस थियोरी को नहीं मानता हूं कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी, अगर एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो जाए, विचारधारा का खात्मा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि राजनीति लोकोन्मुख कभी नहीं होगी, प्रगतिशील कतई नहीं होगी। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन एक बात बताइए, कहते हैं कि शिक्षक जो होता है वो हमेशा लोगों को ज्ञान देता है, लोगों को ज्ञान बांटने का काम करता है। आपको क्या लगा कि आरजेडी में इसकी बहुत जरूरत है? आरजेडी में, क्योंकि आरजेडी देखिए एक बात बहुत ईमानदारी से है, लोग मानते हैं, ये हमारा परसेप्शन नहीं है, लोगों का परसेप्शन है, कि लोग ये कहते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, वहां अशिक्षित लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, इस तरह के। आपके आने के बाद चीजें बदली हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं कि आप आए, फिर आपके साथ जेएनयू के एक और प्रोफेसर आपके साथ जुड़े, और क्या जरूरत आपको लग रही थी कि वहां ज्यादा जरूरत है आपकी? मैं एक बात सीधे तौर पे कहूं, लालू जी की शिक्षा के बारे में क्या लोग जानते हैं? ये परसेप्शन आरजेडी के बारे में किसने बनाया? उसी, मतलब I'm sorry to use the term, वो जो एक टिपिकल ब्राह्मणिक मनुवादी मीडिया है वो गढ़ती है, लोगों की इमेज गढ़ती है। लालू जी ने इमेज प्रबंधन का काम नहीं किया, किसी को हायर नहीं किया। मनोज जी कहते हैं कि जो दिखता है वही। मैं रघुवंश बाबू का उदाहरण दूं, लालू जी का स्वयं का उदाहरण दूं, शिवानंद जी का उदाहरण दूं, रामचंद्र पूर्वे जी का उदाहरण दूं, फातमी साहब का उदाहरण दूं, मेरे पास अंतहीन उदाहरण है, जगता बाबू का उदाहरण दूं, बिना आग के धुआं नहीं होता, ये हमने मुहावरे में सुना था। अब तो धुआं ही धुआं है, आग कहीं नहीं। ये जो पूरा का पूरा बनाया गया है ना, कि मामला कुछ ना हो तिल का ताड़ बना दो। आप 15 साल के 15 अचीवमेंट नहीं गिन पाते हैं, आप किस तरह की बात? 15 अचीवमेंट हम गिन पाते हैं? चलिए आप, शायद आप ना गिन पाते हो, विश्वविद्यालय जितने आप देख रहे हैं पुराने 2-4 को छोड़ करके किसने खोले? चरवाहा विद्यालय कितना रेडिकल स्टेप था, किसकी संकल्पना थी? समाज का पूरा व्याकरण बदल गया, जिन लोगों ने बैलेट पेपर नहीं देखा था वो बैलेट पेपर छू करके वोट करने लगे, ये लोगों को याद नहीं है? वंचित समूहों के बीच में शिक्षा का अलग जगाने का काम किसने किया? वही 15 साल है। हाँ, उस 15 साल में कुछ लोगों को बहुत परेशानियां हुई, मैं माफी के साथ कहता हूं, अगर आज लालू जी पर मुकदमे चल रहे हैं ना, उसी सत्ता के खोने की भड़ास निकाल रहे हैं लोग, एन केन प्रकार है। नहीं तो उस मुकदमे, अगर आप गौर से पढ़े ना, अगर उस मुकदमे पर लालू जी जेल में हो सकते हैं ना, कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी महफूज नहीं है, यह समझना होगा। लेकिन मनोज जी, मेरे उस सवाल का जवाब नहीं है। आपने बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में चीजें बदल रही हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में हम आने वाले थे, लेकिन हमारा सिर्फ सवाल ये, और ये परसेप्शन, आपने परसेप्शन की बात की, मनोज जी आप तो शिक्षाविद हैं, आपसे तो बहुत सीखने की जरूरत है सभी लोगों को, परसेप्शन कैसे बनता है मनोज जी? देखिए, परसेप्शन तो आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के बनता है, परसेप्शन किसी को इमेज बिल्डिंग के हायर करके बनता है। तीन बार बिहार की जनता ने आपको मौका दिया, क्या हमने बिहार की जनता, हम चुनाव हार गए, क्या हमने बिहार की जनता की भावना के अनुरूप नहीं काम किया? पहली बार में ना किया तो दूसरी बार वोट नहीं मिलता, यानी कि लगातार हमने किया? नहीं मनोज जी, बिल्कुल बात हुई है। आप ये बताइए कि गलती आपकी नहीं थी, आपने जिसको आपने पानी पीपी के कोसा, आप जिसको ये कहते रहे 5 साल तक कि ये सरकार बिल्कुल गलत है, इसमें जिसमें भी सरकार में काम, जैसे 15 साल उन्होंने अगर आपको गाली दिया तो आप भी 5 साल गाली देने पीछे नहीं थे, आपने भी पानी पीपी के बोला, और उसके बाद 5 साल के बाद जनता को बेवकूफ बना के आप दोनों लोग साथ में हो जाते हैं, तो आपने इसको कैसे नहीं देखा? इसको इतना सरलीकरण मत करिए, हम दोनों साथ में क्यों आए, लालू जी ने क्यों ये निर्णय किया? मैं उस दिन उनके साथ बैठा हुआ था
जब मतगणना हो रही थी लोकसभा चुनाव की, उन्होंने तुरंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ही वॉज द फर्स्ट वन, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा पूरे देश में दक्षिण पंथी तानाशाही के खिलाफ सबको इकट्ठा होना हो। क्या आप नहीं जानते हैं कि जो लालू जी की चेतावनी थी सच साबित हुई? सारी संवैधानिक संस्थाएं औंधे में ऊंगी हुई हैं, डेमोक्रेसी नाम मात्र की कागजों पर रह गई है। तो उस खतरे से डील करने के लिए हम जानते थे हमारा बहुत विरोध है नीतीश जी की राजनीति से, लेकिन हम आए। आपको ये देखना होगा कि जब कभी आप सवाल उठाते हैं कि ये गठबंधन क्यों हुआ, ये गठबंधन आवाम की मांग थी। लेकिन एक बात बताइए मनोज जी, आपने भी कहा परसेप्शन और तमाम चीजें, आप जो दिखाना चाहेंगे लोग वही देखेंगे। आप नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं 15 साल, वो आपको भला बुरा कहते हैं, आप 5 साल उनको भला बुरा कहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं अभी क्योंकि देश बचाने की कवायद है, जैसे आज महागठबंधन। आप ये बताइए कि 19 दलों का ये जो गठबंधन महागठबंधन है, जो कि कहीं ना कहीं से राज्य में आते आते उसमें तमाम तरह की दरारें दिखने लगती हैं, ये नरेंद्र मोदी से डर का है? एक तो सीधी बात मैं कहूं, नरेंद्र मोदी जी को आत्ममुग्धता के शिकार हैं और कई हमारे भाजपा के मित्र और कुछ मीडिया के भी साथी उस आत्ममुग्धता को खरीद लेते हैं। हम खरीदार नहीं हैं, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी नाम के व्यक्ति से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति चंद नीतियों को समाहरित करता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। वो क्या नीतियां हैं? रोहित बेमूला होता है, किसान आत्महत्या करते हैं, मंदसौर में गोलियां चलती हैं, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरते हैं गोरखपुर में, मुजफ्फरपुर में बच्चियां उत्पीड़न की शिकार होती हैं, नौकरियां कहीं नहीं हैं, 2 करोड़ की नौकरी की बात करने वाले चुप्पी साध के सेलो टेप लगा के बैठे हुए हैं, रोजगार कहीं नहीं है, लहूलुहान अर्थव्यवस्था है। तो ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। ये जो लोग गा रहे हैं ना कि मोदी बनाम आदर्श, नो, मोदी जी की नीतियों के बनाम एक प्रगतिशील लोकोन्मुख विकल्प, और यही तमाम दल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही मनोज जी, ये बता दीजिए आपने उस दिन की रैली को आपने भी बहुत मॉनिटर किया होगा, जितने दल के जितने भी बड़े लीडर थे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के अलावे, आप 3 शख्स के नाम बता दीजिए जिसने विकास पे बात की हो, जिसने मुद्दों पे बात की हो, जिसने ये कहा हो कि हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और ये मुद्दे आम लोगों के सरोकार से जुड़े हुए हैं। 3 ही नहीं, मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए जिसने लहूलुहान अर्थव्यवस्था का जिक्र न किया हो, मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए जिसे किसान और किसानी का जिक्र न किया हो, मुझे एक इंसान का बात बता दीजिए जिसने भुखमरी की बात नहीं की, मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए जो वहां बैठा हुआ था और उसने ये नहीं कहा कि मुल्क अंधे युग से जा रहा है। ये सारी चीजें क्या द्योतक है, किस बात की द्योतक है? ये मैंने कहा ना कि वो ब्रांडिंग वाले लोग सोचते मोदी वर्सेस ऑल, यही कोशिश इंदिरा जी ने की थी। ये तो आप लोगों ने करा। नहीं नहीं नहीं, हम तो बार बार हम दोहरा रहे हैं कि मोदी जी अपने बारे में मुगालते और आत्मुग्धता के शिकार हो सकते हैं, हम नहीं है। हम उनको मानते हैं जस्ट एक एबिरेशन जो हमारी पॉलिटिक्स में हुआ, जिसकी वजह से आज नतीजा ये है। कोई भी संस्था, कभी सुना था सीबीआई सीबीआई पे रेड कर रही है? आरबीआई में साल भर के अंदर 2 रेजिग्नेशन होता है, कभी सुना था हमने? कभी सुना था कि 4 जज बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में? किस बात को इंगित करता है? सच कहूं तो मुल्क गलत हाथों में चला गया था, और इसलिए मोदी जी के व्यक्ति से नहीं उनकी नीतियों का विरोध होगा, पुरजोर होगा, और वही नीतियां हमारे लिए ग्लू हैं। मनोज जी, आप नीतियों की बात कर रहे हैं, नीति निर्धारण की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को आप जानते हैं, हम लोग भी बहुत जानते हैं, हम लोगों ने बहुत सालों से उनको करीब से देखा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जन्म जो हुआ था, जो राजनीति में जो उदय हुआ था, वो कांग्रेस के विरोध से हुआ था, कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, जेपी आंदोलन के अगुआ नेताओं में से थे ये। लेकिन जैसे ही वक्त बदला, जैसे ही जरूरत बदली, जैसे ही माहौल बदला, जैसे ही अपनी सुविधाओं का ख्याल आया, ये तमाम नेता नहीं, मैं सभी लोग इतिहास के पन्ने से वाकिफ कराना चाहता हूं। जयप्रकाश जी उस आंदोलन के प्रणेता था, उन्होंने इंदिरा जी को एक चिट्ठी लिखा, इंदु विरोध तुमसे नहीं, गुस्सा तुम पर नहीं, तुम्हारी कोठरी और तानाशाही पे। मैं वही चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं मोदी जी के लिए। ये न कहिए कांग्रेस के विरोध, हम उस तानाशाही मिजाज के खिलाफ थे, और 41 वर्ष बाद वही तानाशाही मिजाज, और अब तो और भी खतरनाक है, ये वैचारिक तानाशाही, वो व्यक्तिगत तानाशाही थी, वैचारिक तानाशाही ज्यादा खतरनाक होती है।
लेकिन कहां आप लोग में सामंजस्य कहां है मनोज जी? कहीं एक इश्यू जो पे आप लोग साफ दिखते हैं, एक बार आपका नाटक में सब लोग साथ में उठा के हाथ में हाथ मिला के कहते हैं कि हमारा महागठबंधन बन गया, और फिर जैसे ही थोड़ा सा चुनाव आता है राजस्थान में आप अलग लड़ने लगते हैं, छत्तीसगढ़ में अलग लगने लगते हैं, आप मध्य प्रदेश में अलग लड़ने लगते हैं, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो सपा बसपा कहती है कि जी हम अलग हो लिए, कांग्रेस अलग। ये किस तरह का महागठबंधन और गठबंधन? एक बात तो जानिए, हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, दल मिल रहे हैं, दिल भी मिल रहे हैं, लेकिन हम तमाम दलों की एक अलग पहचान रही थी। अलग पहचान को खारिज करके कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना किसी भी गठबंधन के लिए सहज नहीं होता। शिवसेना भाजपा का उदाहरण देख लीजिए, पानी पी पी करके आप अपने बारे में कह सकते हैं कि आप और जेडीयू के बारे में भी आपको उदाहरण दिया ताजा, क्योंकि सामना में डेली एडिटोरियल छपता है। हमारा कोई अखबार नहीं है ना, हम तो अखबार का हो चुकी डॉक्यूमेंटेड है। ये प्रगतिशील गठबंधन है, बिहार में हो। आप देखिएगा बिहार में कांग्रेस से कहां हो पा रहा है? क्या चाहते हैं कि रेडीमेड अमेज़न पे 14 के बाद आपने कहा था कि 14 तारीख के बाद हम लोग तय कर लेंगे, अब आपने नई तारीख दे दी कि 3 तारीख के बाद। आप थोड़ा इंतजार करिए, गठबंधन अमेज़न पे ऑर्डर नहीं होता कि आज ऑर्डर किया और प्राइम मेंबर है तो कल डिलीवर हो जाएगा। और यहाँ 8 लाख वाला गरीब है तो आपके विरोध में भी आपके लोग साथ नहीं थे? नहीं, हमारे साथ, हमारा पूरा का पूरा वोट, हमारे साथ डीएमके भी थी, राज्यसभा में हम सब का जो 7 वोट देख रहे हैं वो हम लोगों का है। बाकी लोग उन्होंने क्यों निर्णय लिया? कांग्रेस पार्टी नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, सीधे समाजवादी पार्टी नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस नहीं थी। देखिए एक बात, कलकत्ता में जो आप लोग खड़े होकर, आप आपको सीधी बात कहूं, संविधान का जब मसला आएगा ना तो मैं वही हबीब जालिब की बात कहूंगा, हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। बस ठीक है मनोज जी, एक बात और हम लोग जानना चाहते हैं, तमाम जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि रघुवंश बाबू का विरोध जो था उसको कैसे देखते हैं आप? उसको फिर कैसे आप लोगों ने उनको कन्विंस किया या उनको बताया? रघुवंश जो भी लीडर हैं, रघुवंश बाबू को इतने सालों से जान रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, बिल्कुल उनके किए गए कार्य आज भी मानदंड है। हाँ, समाजवादी तेवर के नेता है, बेखौफ अपनी राय किसी विषय पर रखते हैं। उन्हीं रघुवंश बाबू ने, मैं सामने बैठा हुआ था, एक चैनल का शिखर सम्मेलन चल रहा था, उन्होंने बिल्कुल कहा मनोज जी ने सही किया, झुनझुना दिखाया, और उस झुनझुने में दाना नहीं था, दिखता था, हिलता था, बजता नहीं था। ये सब लोग समझेंगे जो आज अबीर गुलाल खेल रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा मामला ऐसा है कि जो जिन धनाढ्य वर्गों के बीच से भाजपा की राजनीति चलती है उनको फायदा होगा। टेलीविजन चैनल्स में चल रहा सवर्ण आरक्षण, कहां इसमें सवर्ण शब्द है? कोई इतना तक सुनने को तैयार नहीं। इट इज कॉल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब ये लोगों की बात, ये लोगों ने कहा ये सवाल करने के लिए, इसलिए आपने कहा ना अभी कि एक पार्टी में यही सबसे बड़ी खूबी है कि यहां पे फेवर और अनफेवर दोनों। तेजस्वी यादव तेज प्रताप में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? पारिवारिक जो कलह है वो कहीं ना कहीं से घर के बाहर आ गई चीजें, और जो कार्यकर्ता नेता आपके हैं वो बड़े आशंकित हैं, बड़े उनको लग रहा है कि नहीं, पता नहीं कोई क्या आशंकित होने की जरूरत नहीं है। मेरा सीधे तौर पे मानना है दोनों भाई, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता भी इस नाते में मैं बिल्कुल कह रहा हूं, पारिवारिक चीजों को जिस तरह से तुल दिया जा रहा है दोनों भाई के रिश्ते को लोग, मेरी बात सुनिए, दोनों भाई के रिश्ते शायद कम लोग जानते हैं, उसकी गर्माहट को बहुत कम लोग जानते हैं। तो जो टिप्पणी वही लोग समझते नहीं, जो लोग टिप्पणी करते हैं ना, जो आपको दिखता है उसमें एक महत्वपूर्ण और भी चीज होती है ना, आप देखना क्या चाहते हैं। और हम लालू जी का पूरा परिवार, हम तो रडार पे रहते हैं, हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। एक साहब है आज किताब का विमोचन कर रहे हैं, वो कन्विक्ट है उसी केस में, लेकिन बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो दूसरों के लिए अलग निजाम, हमारे लिए अलग निजाम। शिक्षा पे कितना काम हुआ? नहीं, शिक्षा पे तो देखिए मेरा मानना है सिर्फ बिहार ही नहीं, अभी तो ये नेशनल इलेक्शन है, बिहार में शिक्षा का जो हाल है, हम चाहेंगे जिसे हमारी पार्टी का मानना है कॉमन स्कूल सिस्टम पे क्यों नहीं बात। अक्सर हम कहते हैं ना मलोहिया के लोग हैं कि किसी का भी बच्चा हो, चपरासी का, खेतिहर मजदूर का या महामहिम का, स्कूलिंग एक होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलिंग तय कर देती है कौन का किया। जब आपके पास वक्त था तो हमारे पास वक्त ही कितना था, कितना वक्त था? हमारा वक्त तो आजमाने में ही बीत गया।
अरे कैसे बात कर रहे हैं मनोज जी, आप बिहार में उतने साल रहे, नहीं, उतने साल में आप देखिए, आप केंद्र में भी नहीं, रहे, नहीं, केंद्र में भी आप थे, चरवाहा विद्यालय, और अभी एक साल तो आप थे ही साथ। आप इस बात को भी सुनिए, सोचिए, बिहार में जो कर पाए एजुकेशन के क्षेत्र में आपको मैंने विश्वविद्यालयों के नाम गिना दिए, इवन प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स की नियुक्ति हुई ना, जो अभी आप शिक्षा मित्र देख रहे हैं, और जो लालू जी के टाइम में नियुक्तियां हुई थी, एक बार तराजू पे तौल लीजिएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। इस बार जो मैनिफेस्टो बन रहा है वो आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो होगा या फिर आपके महागठबंधन का? नॉर्मली जब आप गठबंधन में होते हैं तो एक पार्टी का मैनिफेस्टो होता है और एक जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कॉमन कमिटमेंट, न्यूनतम प्रतिबद्धता, उस तरह की चीजों पर भी काम चलता है। तेजस्वी यादव को कितनी बातें आप बताते हैं? तेजस्वी यादव कभी बताया है कि जो चीजें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या पार्टी फोरम पे या तमाम चीजें, तेजस्वी यादव कितनी सुनते हैं आप? देखिए मैं आपको बताऊं, समकालीन दौर में जितने नेताओं को मैं देख रहा हूं ना, तेजस्वी यादव जी से बेहतर लिसनर मैंने नहीं देखा। एक पक्ष पे 7 लोगों से राय ले ली जाएगी, वो अपनी राय भी रखेंगे, लेकिन फिर मंथन करने के बाद एक राय उभरती है। लालू जी को आपने बंच ऑफ थॉट्स दिया था, तेजस्वी यादव कौन सा थॉट्स दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लालू जी और हम लोग बैठे हुए थे, वो किताब अनायास आ गई, और उस किताब के अंदर हम दोनों साथ बैठ करके, हम लालू जी ने कहा कि देखिए, तो उसमें पता चला कि मोहन भागवत जी ने जो आरक्षण वाली बात कही थी कि रिव्यू होगा, वो बात इनके पुराने गोलवलकर साहब कह गए थे। तो ये लालू जी ने उसके अंदर एक मैसेज देखा, किताब तो मेरे पास थी, मैंने पढ़ा था, लेकिन मैसेज लालू जी ने देखा। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं वर्किंग स्टाइल जो है उनके काम करने का या वो कर रहे हैं, आप लोगों की बात भी सुनते हैं? आप प्रवक्ता हैं, एक प्रवक्ता के नाते क्यों नहीं आप उनको एडवाइस देते? नहीं, एडवाइस नहीं, मुझे कई दफा एडवाइस की जरूरत होती है। मान लीजिए अचानक कोई डेवलपमेंट हुआ, मैं अपनी पार्टी का चेहरा हूं, मुझे अपनी पार्टी के नेता से बात करके तय करना पड़ेगा, तो वो एक सतत संवाद की प्रक्रिया रहती है। वो जब लालू जी बाहर थे तो उनसे भी रहती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे दल में किसी को अपने नेता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। आप तो लालू जी को बहुत सालों से जानते होंगे, दरवाजे पे कोई आया सीधे अंदर जा सकता था। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए हो रहा है, किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री आप लोग, उम्मीदवार किसे बनाएंगे? मैं थोड़ा अपने संविधान के हिसाब से आपको करेक्ट कर दूं, लोकसभा चुनाव में पहले एमपी चुने जाते हैं, और जिनके पास सबसे बड़ा संख्या बल होता है उन एमपी के बीच में से एक नेता चुना जाता है। हम डिटर्जेंट और साबुन नहीं, पिछले 4-4.5 साल में ना जाने क्या हो गया हमारी डेमोक्रेसी को। ऐसे पूछा जाता है कि ये वाला सरसों तेल मोदी जी वाला है, तो आपका वाला सरसों तेल कौन सा है ना? डेमोक्रेसी बाबा साहब कह गए थे, सुनिए जी, आप देखिए इतने, आप इतने शिक्षा भी है, मैं आपको लेकिन एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं ये आदत भी तो आपने नहीं लगाई। 5 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री वो थे, दूसरे 5 साल आपने कह दिया कि प्रधानमंत्री यही होंगे आप, फिर उसके बाद जब होता है तो राहुल गांधी। अच्छा एक बात बताइए, 2004 इस बार क्या दिक्कत है आपको राहुल गांधी? आप बताइए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनिए, 2004 में हमको, आपको पता था कि कौन प्रधानमंत्री होंगे? नहीं पता था ना। डेमोक्रेसी को वैसा होना चाहिए, वो खूबसूरत डेमोक्रेसी है। तो आज राहुल गांधी के नाम से क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, हमारे आप लोग ममता बनर्जी की रैली में जाते हैं, उसके बाद आप लोग के विचार अलग अलग आने लगते हैं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि महिला प्रधानमंत्री बनेगी। एक बात, अब इस तरह की चीजें स्पष्ट तौर पर सुनिए, वो ये है जिसका लब्बो लुबाब आपको सीधे उसको ऐसे समझना चाहिए कि तमाम दल के लोग एक साझा कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं। हमारे नेता खुद कह चुके हैं, कांग्रेस का सबसे बड़ा फुटप्रिंट राहुल जी और कांग्रेस में ऑल्टरनेटिव अलायंस को लीड करने की क्षमता है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आप ये बताइए, क्या तेजस्वी यादव ही एक इकलौते पार्टी में आपके नेता थे जिनको विपक्ष का नेता बना दिया गया? आपकी पार्टी में और लोग नहीं थे? आपने एक सवाल पूछा तो सुन लीजिए, मनोज झा पार्टी को वोट दिलवा लेंगे क्या? मनोज झा पार्टी को वोट दिलवा लेंगे? नहीं। लेकिन राहुल गांधी दिलवा देंगे? मैं वही कह रहा हूँ, आपने तेजस्वी यादव जी पे जो सवाल किया ये हम नहीं कर रहे, ये तो आपके सवाल का, ये इस सोच में ही पूर्वग्रह, इस सोच में ही पहले से तय प्रश्नों के जवाब आपके पास स्वयं है। नहीं नहीं मनोज जी, आपने जो कहा, देखिए हमने तो भाई, मैंने क्यों कहा? आप बार बार देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके लिए सहजता है कि आप हम पे इल्जाम लगा दीजिए, आपके लिए बहुत सहजता है, लेकिन एक बात समझिए, आप जब स्पष्टवादी हैं तो आप तमाम चीजों को वो भी तो एग्जामिन करें। और आप कि मैंने शुरुआत कहा कि आप शिक्षाविद हैं, आप मुझे अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। एक बात आपने गौर नहीं की होगी, मैं अभी भी दोहराता हूं, एक बनाम अनेक, चॉइसलेसनेस, मोदी जी के खिलाफ कोई जुबान सपने में भी अगर सोच लेना कि मैं पीएम बनूंगा, प्रधानमंत्री जी को अगर पता चल गया रात में इसने सपना देखा था, ना जाने क्या होगा।
दूसरी तरफ आपके पास कई नेता है, कई नेता है, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही बात तो मैंने आपसे कहा तो आपने कह दिया कि आप पूर्वाग्रह से। नहीं नहीं नहीं, आपने तेजस्वी यादव जी के बारे में, तेजस्वी यादव जी के बारे में, अगर उनके अलावा और भी हो सकते थे कोई, आपने ये कहा तो आपके वहीं उसी पार्टी में उसका उदाहरण मेरे भाई भी हैं, मैंने उसी पार्टी में आपने ही नाम गिनाया, रामचंद्र पूर्वे आपने, रघुवंश सिंह, जगता सिंह, शिवानंद तिवारी, मनोज झा, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाया। मैं आपको छोटा उदाहरण मैं फिर से दे रहा हूँ, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट वोट्स। चलिए आप हमारे बिहार और झारखंड के तमाम लोगों को ये बता दीजिए कि ऐसे कैसे आपको लोग आप पे भरोसा करेंगे, कैसे आपको लोग पिछली बार की सरकार से इस बार आप जो सरकार बनाना चाहते हैं, आप लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं, उस पर आप पे कैसे भरोसा करें, और दो या तीन कह लें बड़ी कमियां बता दीजिए उस सरकार की जो लोगों के सामने हो। मैं इस सरकार की तीन कमियां मैं तो 300 गिना दूंगा, लेकिन तीन बता दे रहा हूं। रोजगार जीरो, इकोनॉमी ब्लीडिंग, किसानों के बीच में हाहाकार, महिलाएं महफूज नहीं, ये हो गया। अब आइए दलितों पे उत्पीड़न, अल्पसंख्यक, मॉब लिंचिंग, कभी हमने 4.5 साल पहले नहीं सुना था, अब प्रतिदिन उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। बहरहाल हम अगर आए तो मेरी गारंटी होगी अपने दल की ओर से, हम लड़ेंगे कि जीडीपी का कम से कम 3% स्वास्थ्य पे खर्च हो, पब्लिक हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पे खर्च हो, जिसका एक बड़ा हिस्सा प्राइमरी एजुकेशन पे जाए, ये हमारी फौरी तौर पे होगी। तीसरी, रोजगार सृजन में खास करके रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को और हम प्रमोट करना चाहेंगे, और समाज में सौहार्द फिर से कायम हो, गंगा जमुनी सभ्यता वाला हिंदुस्तान बहाल हो, इसकी कोशिश होगी। मनोज जी, हम जब हमारी और आपकी बात हो रही है और मैंने कहा कि शिक्षाविद से आप, तो मेरी भी एक राय है कि आप भी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हुआ करें, क्योंकि आपने भी जो कॉन्सेप्ट बना के आपने कहा वो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी वाइडर एंगल में सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना कीमती वक्त देने के लिए मनोज जी, और बात बेबाक एकदम अपने अंदाज में मनोज झा ने रखा है, तमाम सवालों के, तीखे सवालों के और बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए साफ तौर पर मनोज झा। इसीलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपको सज्जनता देखनी हो तो मनोज झा से देखिए, सहनशीलता देखनी हो तो मनोज झा से देखिए, क्योंकि साफ तौर पे जितने भी कड़े सवाल थे उसके बड़े ही अलग अंदाज में और अपने अंदाज में उन्होंने जवाब दिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और साफ तौर पे हम अगली बार फिर आपको नए और बड़े शख्सियत से मुलाकात कराएंगे और बताएंगे उनके तमाम राजनीतिक घटनाक्रम को।